दिल्ली का यह दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ही कहा जाएगा कि एक साल में ही दिल्ली ने उन बड़े नेताओं को खो दिया जिन्होंने इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया था। भाजपा के तीन बड़े नेताओं और कांग्रेस की पूर्व सीएम ने इस अवधि में दुनिया से रुखसत ली। पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद से अब तक भाजपा ने दो बड़े और नेताओं को खो दिया है। सुषमा स्वराज जो कि भाजपा की वरिष्ठ नेता वैद्य पूर्व विदेश मंत्री तथा दिल्ली की पहली सीएम महिला रह चुकी का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों का भी यह कहना है कि यह राजनीतिक क्षेत्र में सभी दलों के लिए अपूर्णीय क्षति है। सुषमा स्वराज की अपनी तथ्यों के साथ अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने का हर कोई उनका मुरीद था। सुषमा स्वराज से पहले 20 जुलाई को कांग्रेस की महिला सीएम शीला दीक्षित का अकस्मात निधन हो गया था। इसे दिल्ली का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा क्योंकि जब सुषमा स्वराज ने चुनाव हारी थी उसके बाद ही उन्होंने दिल्ली के स्थान पर केंद्रीय राजनीति में अपना स्थान बना लिया था। वहीं शीला दीक्षित अंतिम समय तक जो दिल्ली व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहीं। इससे पहले अक्टूबर 2018 में दिल्ली के पूर्व सीएम रहे मदन लाल खुराना जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उनका निधन हो गया था, जिन्हें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भी पुराने नेता आदर्श के रूप में देखते थे। लोगों का कहना है कि इन नेताओं ने दिल्ली के विकास के लिए हर संभव कार्य किया, साथ ही देश का मान बढ़ाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।